से जुड़ी रही। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे। मंदिर के लिए सत्ता छोड़ने में बाबू जी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के रूप में रखने के निश्चय सरकार ने लिया है और अगले कुछ माह के अंदर सदैव बाबू जी की भव्य प्रतिमा भी उस परिसर में स्थापित करने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह नया मेडिकल कॉलेज जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, यह भी सदैव बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा। अतरौली विधानसभा क्षेत्र सदैव बाबूजी की साथ 1962 से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव सदैव बाबूजी के प्रति है। मैं अंतिम संस्कार के दिन भी इस दृश्य को यहाँ पर देख रहा था। जब 23 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे, तब भी मैंने यहाँ के लोगों के आत्मीयता को सदैव बाबूजी के प्रति उनके सम्मान और श्रद्धा के भाव को देखा था और आज भी मैं देख रहा था। कई कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले आ रहे हैं। क्या श्रद्धा समर्पण का भाव है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में लगभग 7 दशक तक कार्य करने और अपने आप भी 2 दशक से राजनीति से अलग होने के बावजूद इतनी श्रद्धा और समर्पण का भाव बिरला ही देखने को मिलता है। मैं यहाँ के नागरिकों के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बाबूजी को उनके अंतिम क्षण तक सम्मान का भाव उनके प्रति व्यक्त किया है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में भी बाबूजी के नाम पर तमाम संस्थाओं को उन्होंने अपने समय में यहाँ पर स्थापित किया था, उन सभी संस्थाओं को आगे बढ़ाने, संस्थाओं के नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई शासन स्तर पर प्रारंभ होगी। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि बाबूजी की इस विरासत को लोकप्रिय सांसद से राजवीर सिंह राजू भैया और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संदीप सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। वे इनको संभव दें, उनके साथ मिलकर के काम करें। प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन सदैव उनके साथ में खड़ा है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से सदैव बाबूजी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वह सदैव बाबूजी को अपने से चरणों में स्थान दें और उन्हें सदगति प्रदान करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें, इतना संबल दें कि वे सरकार और संगठन के साथ मिलकर के सदैव बाबूजी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। चाहे वो 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए विवादित ढांचे को हटाने के फलस्वरूप बिना किसी हिचक के अपने पद को छोड़ने का हो, या विवादित ढांचे के हटने के बाद पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए किसी भी शासकीय कर्मी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हो बल्कि इस पूरी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने का रहा हो, या उत्तर प्रदेश के अंदर भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के उस तबके के हितों के लिए जो वास्तव में शासन की योजनाओं का हकदार होना चाहिए था, जिसे उन योजनाओं से वंचित किया गया था, इन सब के लिए कार्य करने का सदैव बाबूजी ने प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के बाहर
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी प्रतिबद्धता के साथ किया जैसे कोई अपने स्वयं के कार्य को जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है, यह उनके साथ जुड़ा रहा और यही कारण रहा कि प्रभु श्री राम ने उनकी उस तमन्ना को भी पूरा किया जिसके लिए उन्होंने 1992 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के विवादित ढांचे को हटाने की पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। खो दिया है या वो राम जी ने उन्हें बुला लिया जिनका सपना था कि राम मंदिर बने और ये सपना उनके जीवन काल में शुरू भी हुआ। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले माननीय कल्याण सिंह जी जो प्रखर बुद्धि के जो बात कह दें उसे पूरी करने वाले, कार्यकर्ताओं को कैसे खड़ा करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है, ऐसी सोच रखने वाले अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। सुन के बहुत दुख भी हुआ और लगा कि उनकी भरपाई अब बहुत देर में हो पाएगी। मैं उनके परिवार में राजू भैया, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके सभी के साथ उस दुख की घड़ी में और उनको मैंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। वो जहाँ भी रहें उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्रेरणा हमारे साथ बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कार से ऊपर गोली चलाने से एकदम सख्त मनाही थी क्योंकि कल्याण सिंह जी नहीं चाहते थे निपराज लोगों का इस दिन से बलि, उनको बलि चढ़ा दी। पुनः वो मुख्यमंत्री हुए, बड़े अच्छे कवि भी थे, कविता भी करते थे। उनकी कविताएं मैंने देखा कई बार, वो गाते हैं अभी, चलो गांव की ओर, इस बारे में करता किसानों के प्रति पूर्ण समर्पित थे और लगातार उनका प्रवास उत्तर प्रदेश में किसानों और दलितों के हित को लेकर, तो कोई भी क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में उनका आज हमारे बीच में नहीं है। स्वाभाविक रूप से सहज रूप से मन को बड़ी व्यथा हो रही है कल्याण सिंह हमारे बीच में। राजस्थान के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने राजस्थान में विशेष छाप छोड़ी। मैं इस समय वहाँ राज्यपाल हूँ, जब मैं राज्यपाल की शपथ लेने गया था मैंने आग्रह किया था कि आप वहीं रहिए, वहीं थे जब मैं पहुँचा एक दिन पहले, तो जाकर उनका आशीर्वाद दिया। और आज मैं बड़े भरे मन से आपके बीच में खड़ा हूँ, अभी मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं पुनः अपने हृदय के गहराई के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में राजवीर जी हैं, कल्याण सिंह के हमारे उनके पौत्र तो संजीव जी हैं, जी हैं, ये सब लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए राजनीति में उसी दिशा में चलने का निर्णय लिया है और निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी के सपनों को पारिवारिक दृष्टि से पूर्ण करें और सार्वजनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बाकी के सब लोग तो हैं वो पूर्ण करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।